अनन्या तुम्हें यहीं पे रुकना होगा। और एक और बात, अपनी मॉम की पिक्चर मेरे फोन पे सेंड करो अभी। थैंक यू। आप चिंता मत कीजिए मैडम, मैंने और नील सर ने मिलकर कई सारे केसेस सॉल्व किए हैं, और देख लेना वो आपकी माँ को जरूर वापस लेके आएंगे। चिंता तो मुझे यही है कि नील माँ को देख लेगा। निकलना पड़ेगा यहाँ से। ओहो, आज ये सूरज कहां से उगा है? इतने बड़े बड़े लोग आज हमारे इस गरीब से कैफे में कैसे आ? अभी ये बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि दीदी कहां है। दीदी? ओहो, दीदी कहां गया? अभी तो यही था मेरी पॉकेट में। ये पता नहीं कहां चला गया। देखो, तुम्हारे स्टूपिड से जोक में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। दादी मेरा इंतजार कर रही। मुझे ये बताओ कि दीदी कहाँ है, मुझे नील से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। वैसे नील से बात नहीं हुई ना तुम्हारी? लिसन, आउच! तुम सीधी खड़ी रहो ना, सीधी खड़ी रहो, हाथ नीचे कर। एक एक खोलो। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कि तुम अपनी दादी से बहुत डरती हो और इस वजह से तुम्हें अपनी दादी की गलतियां दिखती नहीं। एक सजेशन देता हूं, आंखें खोलो रही है। पहले अपने परिवार की गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो, उसके बाद नील तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, समझी? क्या इतना टाइम हो गया? क्या चल रही है? हमने हम लोग को यहाँ बुलाया गया। यहाँ पेंटिंग की एग्जीबिशन है, उसे कवर करने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है। हमें अंदर जाने दीजिए। हमें बोला था कि हरीश जी की पेंटिंग का एग्जीबिशन आके कवर करना। आप लोग हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? आधे घंटे से खड़े हम लोग। अजीब लोग हैं, यहाँ बेटी की शादी कैंसल होने वाली है और इन्हें आर्ट एग्जिबिशन की पड़ी है। हेलो सर, सर राघव शर्मा ऑन द लाइन। सर 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 सर, वो मैडम भाग गई है सर। रघु कुछ नहीं दे रहा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, प्लस नेटवर्क ब्रेक हो रहे हैं यहाँ पे। सर आप कहाँ हैं? रघु मैं अपना काम कंप्लीट करके तुम्हें कॉल करता हूँ दोबारा, ओके? हेलो, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया। मैं तुम्हारे पास आने के लिए निकल चुकी हूँ, मुझे सही एड्रेस भेज दो। I hope तुमने इस बारी कोई चलाकी करने की कोशिश नहीं की है, वरना you know ना, मेरे पास तुम्हारी माँ भी है और कान भी। तुम खुद ही सोचो, अगर मैंने पुलिस को भेजा होता तो वो अब तक तुम्हारे पास पहुँच चुकी होती।
मैंने अपना प्रॉमिस रखा, अब तुम अपनी बात करो। प्लीज मुझे सही एड्रेस भेज दो प्लीज। अपना फोन चेक करो। आई एम सॉरी नील, मैं जानती हूँ तुम मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं अपनी और माँ की सच्चाई तुम्हारे सामने नहीं ला सकती। लोकेशन है जो अनन्या ने हमें भेजी थी। चल लेडी, गौरव भी केयर, टाइम फॉर सम मैच, आ जा। श्वेता जी, मेरे एग्जीबिशन का कुछ तो ख्याल करिए। मीडिया आ चुकी है, टीवी न्यूज़पेपर पे ये इवेंट कवर होने वाला है, और आप है कि मेरी मेहनत बर्बाद करना चाहते हैं ना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे और मेरे टिल्लू को दुनिया भर के सामने बदनाम करोगी? ये जो तुम्हारा पागलपन है ना, उसे देखकर तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे खड़ी रहूंगी? और कर भी क्या सकती हो, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। अपने आसपास तो आप देख ही रही हैं। ओए शट अप, ओके जस्ट शट अप। बेचारी हमारी रिया, अपने होने वाले पति को ऐसी जलील हरकत करते देख क्या बीतेगी बेचारी पे? हाँ, नील ने तो हद ही कर दी। छी, आपके फैमिली में कैरेक्टर नाम की कोई चीज है भी या शायद नहीं? एड्रेस तो यही है। ओह लो, बातों बातों में मैं तो भूल गई, मेरा तो एग्जीबिशन शुरू होने वाला है और मीडिया वाले आ गए होंगे। एक्सक्यूज मी, क्या है ये सर? पर मीडिया, मीडिया को बुलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे होने वाले दामाद के इज्जत के बारे में तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है? और तुम होती कौन हो हमारे दामाद के चरित्र पे दाग लगाने वाली? अरे कितना सीधा सरल है हमारा दामाद, रिया का कितना ख्याल रखता है वो। वो तो दिख ही रहा है। तो इस उम्र में ऐसी गलतियां हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारे शहर को ये बात बता दो। और ये सारे फोटोज तुम्हारे पास आए कहां से? हेतल, हेतल जी माँ,
क्या है ये, क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना कि रिया के फोन से ये सारे फोटोग्राफ्स डिलीट कर दो, कहा था कि नहीं? दयावंती जी, आपको इन तस्वीरों के बारे में पता था? श्वेता जी, इस घर में कोई भी बात मुझसे छुपती नहीं है, और इसमें हमारे रिया की बदनामी हो भी जाती तो क्या? रिया तो बच्ची है, लेकिन नील की बदनामी? ना रे बाबा ना, नील की बदनामी तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। तो फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वाई? वो तो बहुत दिनों से मैं आपसे मिलना चाहती थी, काफी दिन हुए हैं हम मिले नहीं, और वैसे भी आप तो हमारी अपनी हैं, पराई थोड़ी ना है। ये तो अच्छा हुआ ना ये सारी बात मीडिया तक पहुंचने के पहले मैं यहाँ आई, और ये एग्जीबिशन रोक दिया मैंने, वरना वरना नील के साथ साथ आपकी भी तो बदनामी हो जाती ना। हेतल, अभी के अभी इसी वक्त ये सारे फोटो निकाल के बाहर फेंक दो, समझी तुम? जी माँ। और तुम, मीडिया को बुलाने की जरूरत तूने की है ना, तो उनको बाहर निकालना भी तुम्हारा काम, समझी?